हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमायरस किचन। आज हम झटपट बनने वाले डोनट्स बनाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे। अंडा डालने के बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच दही के डालेंगे। हम इसे थोड़ा सा विस्क कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर डालेंगे। अब हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा मैदा एक साथ नहीं डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए कुटी हुई इलायची डालेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, नमक हमने ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हम इसमें धीरे धीरे मैदा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे। हमने इसको ऐसे ही हल्का सॉफ्ट ही रखना है, इसको हार्ड नहीं करना है। देखिए हमारा डोनट का जो डो है वो बनकर तैयार है। अब हम इसको रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए 15 मिनट हो गए हैं और हमारे डोनट का जो डो है उसे भी रेस्ट मिल गया है। डो को हम हल्का बेल लेंगे। बेलते टाइम अगर ये डो सरफेस पे चिपकता है तो आप थोड़ा इसमें मैदा डस्ट कर सकते हैं। हमें इसे मोटा ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए मैंने इसे मोटा बेल लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। आप डोनट की शेप देने के लिए चाहे कोली का, चाहे किसी ढक्कन का, या जो मार्केट में कटर्स मिलते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल डोनट की शेप आ गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम एक पैन में ऑयल लेंगे। अब हम डोनट्स को तेल में डाल देंगे और जब तक डोनट्स खुद ही अपने आप उठकर ऊपर ना आ जाए हम इसको हिलाएंगे नहीं। देखिए डोनट्स अपने आप ही उठकर ऊपर आ गए हैं। अब हम इसे पलट देंगे। देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं और ये क्रिस्पी होने तक हम इसको ऐसे ही लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसको फ्राई करने में टोटल 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। देखिए डोनट पे जो क्रैक आए हैं ये इंडिकेशन है कि हमारे डोनट्स अच्छे से फूल चुके हैं। हमने डोनट्स को हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, हमें इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है। देखिए डोनट्स तो फ्राई हो गया है और ये अच्छे गोल फूल भी गए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए आप चॉकलेट का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इसकी पिंक कोटिंग दूंगी। पिंक कोटिंग करने के लिए मैंने 1/2 कप पाउडर शुगर लिया है और इसमें पिंच ऑफ रेड कलर डाला है। इसको हम स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। मिल्क हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हमें थोड़ा ही मिल्क ऐड करना है। देखिए हमारी कोटिंग तैयार है। अब हम इसमें डोनट्स को डिप करेंगे।
ध्यान रखना है कि डोनट्स हमने वन साइड से ही डिप करना है, दूसरी साइड से डिप नहीं करना है। सारे डोनट्स को हम ऐसे ही डिप कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से कोटिंग हो जाए। अब हम स्प्रिंकल डालने से पहले थोड़ी और कोटिंग स्पून से डोनट्स पर डाल देंगे ताकि हमारे जो स्प्रिंकल है अच्छे से डोनट्स पर चिपक जाए। अब हम इसमें कोई भी अपने पसंद के स्प्रिंकल्स डाल के डेकोरेट कर लेंगे। देखिए हमारे डोनट्स बनकर तैयार है। देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे। मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद आई। आप भी अपने बच्चों के लिए घर पर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।